सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देखिए मेरे साथ देश दुनिया की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में पीएम मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उन्होंने अपनी मां हीराबाई का आशीर्वाद लिया। आज सुबह पीएम मोदी सरदार सरोवर बांध भी पहुंचे और नर्मदा नदी की पूजा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव करने का हर संभव प्रयास करेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कश्मीर का नाम लिए बगैर कहा कि भारत और पाक के बीच तनाव कम हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ट्रंप 22 सितंबर को मोदी से मिलने वाले हैं। दोनों नेता ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय समुदाय को संबोधित करेगा। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि वे पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान से कब मिलेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि वे न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ही इमरान से बात कर सकते हैं। ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की पेशकश भी कर चुके हैं। कर्ज में डूबी एयर इंडिया की हालत सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। एयर इंडिया के स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ने अपने कर्ज व परिसंपत्ति के हिस्से का ट्रांसफर करने के लिए बॉन्ड जारी करके 7,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इससे एयर इंडिया को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अगले कुछ हफ्तों में कुल 22,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने की योजना है। यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट यूईएफए चैंपियंस लीग की शुरुआत आज से हो रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है। 64 साल पुराने इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। चैंपियन बनने वाली टीम को लगभग 632 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। यह फुटबॉल वर्ल्ड जीतने वाली फ्रांस की टीम की इनामी राशि से 143% ज़्यादा है। फ्रांस को पिछले साल फाइनल जीतने पर 260 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिले थे। इस बार फाइनल मुकाबला इस्तांबुल के अर्तातुर्क स्टेडियम पर 30 मई 2020 को खेला जाएगा। फिल्म बॉडीगार्ड से सुर्खियां बटोरने वाली मॉडल और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी हेजल कीच एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वो आमिर खान की बेटी इरा खान के डायरेक्शन डेब्यू प्ले में काम करेंगी। हेजल अच्छी फिल्मों के ऑफर ना मिलने की वजह से लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर थी। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।